हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आई है और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है जेपी इंफ्रा के साथ। ठीक है, जेपी को टेक ओवर करने की बात जो चल रही थी उसमें एनबीसीसी भी सबसे आगे था इस रेस में, लेकिन एक बड़ी खबर अभी निकल कर आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, जबकि ये शेयर 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 55 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 13 से 14% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 47 रुपीज का शेयर था, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, 57 पर पहुंचा, वापस थोड़ा टूट के 54 पे गया, दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा नीचे गया। एक साल में अगर देखें तो एक साल में अच्छी रफ्तार है, 131% का ग्रोथ है और अपने एक साल के हाइस के आसपास ही ये बैठा हुआ है। अब देखिए, शेयर 22 पे था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, देखिए कहां तक पहुंचा ये, 50 रुपए से भी ऊपर निकल गया था ये, लेकिन दोबारा टूट के कहां पर आया था, 40 रुपए से भी नीचे, दोबारा रफ्तार पकड़ी और दोबारा उससे ज्यादा की तेजी दिखाई, यहां से थोड़ी सी गिरावट। देखिए, जब भी गिरावट आएगी यहाँ पर खरीदारी के मौके होंगे, लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है। 3 साल में अभी भी 32% की गिरावट है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी और भी बड़े जो लॉसेस हुए हैं, जो बहुत पहले की जिनकी बाइंग है उनके लॉसेस रिकवर होने बाकी है। आप देखिए, मिड कैप शेयर है 9,927 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो देखिए, जेपी इंफ्रा टेक को खरीदने की बातचीत थी। अब उसमें दो ग्रुप के बीच में टक्कर थी, एक सुरक्षा ग्रुप है और दूसरा एनबीसीसी ग्रुप है। तो सुरक्षा ग्रुप ने एनबीसीसी ग्रुप को हरा दिया है और जेपी इंफ्राटेक जो है वो अब सुरक्षा ग्रुप के अंडर में चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि और बहुत ही मिनिमम मार्जिन से हाँ ये जीते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो रिजोल्यूशन प्लान था उसमें अगर आप देखेंगे तो बिडिंग रेस जो थी वो जेपी इंफ्राटेक एनडीए पिन जो कहा जाए तो भैया उन्होंने पहले फिनिश किया है। सुरक्षा ग्रुप का जो रिजोल्यूशन प्लान था उसका जो विनिंग परसेंटेज था वो 98.66% था। ठीक है, जबकि एनबीसीसी का 98.54%, मतलब 0.12% के मार्जिन से सुरक्षा ग्रुप जीता है। 0.12% का बहुत ही मिनिमम मार्जिन आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा ग्रुप हैज वॉन बिट विथ 98.66% वोट, इट गॉट 0.12% मोर वोट देन एनबीसीसी। एनबीसीसी से बस 0.12% ज्यादा वोट सुरक्षा ग्रुप को मिले हैं और इसीलिए वो विजेता यहाँ पर बने हैं और उन्हीं को अब जाएगा। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, जो बिडिंग बैटल थी उसमें किसने किसको वोट दिया, तो जो बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई को छोड़कर, ठीक है, तकरीबन जितनी भी बैंकों ने यहाँ पर पैसा लगाया था इंफोटेक में, जिनका पैसा फंसा हुआ था, उन सब ने दोनों को कहा कि हाँ भैया हमको तो दोनों ही कोई भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वोट इन फेवर ऑफ बोथ ऑफर्स, दोनों ही ऑफर्स में वो लोग फेवर में थे। लेकिन जो होम ओनर्स, देखिए जेपी इंफ्राटेक में काफी लोगों ने अपने घर खरीदे भैया, उनको घर मिले नहीं, प्रोजेक्ट लंबे सालों से पेंडिंग में है, तो जो होम ओनर्स थे उन्होंने एनबीसीसी को वोट दिया था। एनबीसीसी को मतलब जिनको अपने घर नहीं मिले, वो चाहते हैं कि भैया हमारा घर जल्दी बन के हमको मिल जाए, उन्होंने एनबीसीसी को वोट दिया था। डिसेंट बाई श्री इंफ्रा अगेंस्ट एनबीसीसी प्लान, ठीक है, तो श्री इंफ्रा जो है उन्होंने एनबीसीसी प्लान के अगेंस्ट में डिसेंट किया था। दूसरी तरफ अगर देखें तो सीओसी टू सबमिट सुरक्षा प्लान फॉर अप्रूवल एनसीएलटी में। अब सुरक्षा ग्रुप की जो बिड थी वो थी 7,736 करोड़, एनबीसीसी की बिड थी 6,536 करोड़। तो कहा जाए तो भाई साहब सुरक्षा ग्रुप जो है वो ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है कंपेयर टू एनबीसीसी, 1,200 करोड़ रुपए ज्यादा ऑफर कर रहा है ये। तो कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका, लेकिन फिर भी जो वोटिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, वोटिंग की अगर हम बात करें तो वोटिंग में ज्यादा मार्जिन का एरर नहीं था, मतलब वोटिंग में कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन ऑफर में काफी बड़ा मार्जिन था यहाँ पर। एनबीसीसी देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है एनबीसीसी की,
यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, ये वो कंपनी है जहां पर कोई बेचने की बात नहीं कर रहा है। 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की। बेचने की सलाह आपको कोई नहीं देगा यहाँ पर, ना ही कोई दे रहा है। एक और चीज अगर हम देखें एनबीसीसी को लेकर, तो भैया रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी आई थी 2020 में। रेवेन्यू में डिक्लाइन जरूर आया, लेकिन प्रॉफिट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी बड़ा डिक्लाइन जरूर था, लेकिन अच्छी खासी तेजी उमड़ रही थी यहाँ पर। लेकिन उसका असर हमने शेयर के प्राइस पर भी देखा, ठीक है। 2019 तक शेयर के प्राइस अच्छी खासी तेजी से बढ़ रहे थे, बाद में हमने गिरावट भी देखी, लेकिन अब उम्मीद हो कर रहे हैं कि यहाँ से दोबारा तेजी देखने को मिल जाए। क्योंकि देखिए कोरोना काल में काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके पड़े हैं, पेंडिंग है। सरकार भी चाहेगी, कंपनी भी चाहेगी, भाई साहब जल्द से जल्द ये जितने भी प्रोजेक्ट है उसको निपटाया जाए, और जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए जाए। और आने वाले समय में और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो पिछले काफी समय से कह सकते हैं कि भैया होल्ड पे चल रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनबीसीसी में जो स्टॉक ने बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है आपको, डिविडेंड उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है। खरीदारी का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग्स अभी भी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। एनबीसीसी के बारे में देखिए तो एक्चुअल में जो इनका पीई रेशियो है वो 46 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई जरूर है। क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाकी जो कंपनियां हैं उनकी पीई रेशियो उतने हाई नहीं है, और जो इंडस्ट्री एवरेज है वो भी थोड़ा सा मतलब उससे आधा का ही देखने को मिल रहा है, कम ही है। यहाँ पर हम इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर करेंगे तो अच्छे फाइनेंशियल्स नजर आए, और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। पिछले 5 सालों में इनका जो मार्केट शेयर पहले 1.86% था, आज वो 2.77% है। तो ये अच्छी बात है कि इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस भी इस आने वाले वक्त में आपको और बेहतर नजर आ सकता है। अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी यहाँ पर है, कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की, प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहाँ पर, सरकार इसको मैनेज कर रही है, और कल को सरकार इसका प्राइवेटाइज भी कर सकती है। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन अभी तो कोई अपडेट भी नहीं है इसकी। म्यूचुअल फंड के पास 3.45% की होल्डिंग, 7.19% की जो होल्डिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस के पास तकरीबन 2.97% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल एनबीसीसी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे यहाँ पर, और ये हमें पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़ी रफ्तार आई, भैया टूटना लाजमी और होनी भी चाहिए, ऐसे गिरावट आनी भी चाहिए, तभी तो भैया दोबारा बड़ा बाउंस बैक करेगा ये शेयर। तो अगर हम अभी की ही बात करें, मतलब पिछले 6 महीने में देखें, तो भाई साहब इन्होंने तकरीबन 90% का जो रिटर्न है वो कमा कर दे दिया है। तो तेजी अच्छी है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। और हाँ, हर तेजी के बाद गिरावट बनेगी, तो अगर ये शेयर 55 से 50 तक भी जाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन हाँ 50 से दोबारा 65 तक भी जाएगा तब भी कोई हैरानी नहीं होगी। तो नजर रखिए, गिरावट में मौके है, और ये वो शेयर है जहां पर आप किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर नहीं खरीद सकते। क्योंकि देखिए तेजी, मानो कि आपने यहाँ पर खरीद लिया, ठीक है, फिर लंबे समय तक टूटा और आप पैनिक कर गए यहाँ पर, ठीक है, तो भैया टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि जब भी गिरावट आए ना आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सको। 1,000 खरीदने हैं, 200 खरीदो, वेट करो, 2-3 रुपए और गिरे और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, 2-3 रुपए और गिरे और क्वांटिटी ऐड करो। और इस साल के एंड तक डेफिनेटली दमखम है कि 65 से 70 रुपए तक जा सकता है ये शेयर, लेकिन बीच में थोड़े बहुत झोले जरूर खाने वाला है। तो नजर रखिए कंपनी के ऊपर, और अगेन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।